लीजिए लता शास्त्री की आवाज में राधा कृष्ण के भजन। और क्या के भेष छुपाए परेशाने में आए आप बाज लगाए काना हो ले लो चूड़िया ले लो चूड़िया हरी लाल पीली अरे में लाया नीली हरी लाल पीली अरे में लाया नीली और है आसमानिया और आसमानिया भेस छुपाए परेशान में आए आवाज लगाए काना ले लो चूड़िया रे ले लो चूड़िया और क्या जैसे ही भगवान श्याम सुंदर को राधा जी की याद आई तो मनिहारी का भेष बना करके और वृंदावन से बरसाने की गलियों में चल करके आए और आवाज लगाने लगे कहा किसी को चूड़ी चाहिए तो चूड़ी ले लीजिए। तो ललता ने सुना क्या हुआ भैया जय किशन सुनो दौड़ी ललिता आई मोहन से बतलाई खोल के गठरी दिखला दो चलो घर चूड़ी पहना दो खोल के गठरी दिखला दो चलो घर चूड़ी पहना दो ललता ने कहा चलो हमारे घर चूड़ी पहना दो। तो भगवान ने कहा ऐसा है आगे चल कर के आओ अवश्य पहनाएंगे चूड़ी तुम्हें। दौड़ी ललिता आई मोहन से बतलाई खोल के गठरी दिखला दो चलो घर चूड़ी पहना दो खोल के गठरी दिखला दो चलो घर चूड़ी पहना दो और ललता क्या बोली कहे क्या दाम लोगे क्या भाव दोगे कहे क्या दाम लोगे क्या भाव दोगे हो हमसे करो ना ठगानिया भेस छुपाए परेशान में आए आवाज लगाए काना ले लो चूड़िया ले लो चूड़िया जैसे ही भगवान श्याम सुंदर राधा जी के महल में चल कर के गए ललता भी साथ में है का इधर आ जाओ। और जैसे ही चल कर के गए तो भैया कपूर क्या हुआ अरे राधा की भैया पकड़ के मोहन इठलैया बोल मनिहारी की खुल गई पसुरिया कठरी में मिल गई बोल मनिहारी की खुल गई पसुरिया गठरी में मिल गई अरे राधा की भैया
पकड़ के मोहन ठिलैया, बोले मनिहारी की खुल गई पसुरिया गठरी में मिल गई, बोले मनिहारी की खुल गई पसुरिया गठरी में मिल गई। और क्या कहे राधा मत बारो बनो शम चूड़ी बारो, कहे राधा मत बारो बनो शम चूड़ी बारो, कि सबकी पकड़े कलाइया भेस छुपाए परेशान में आए आवाज लगाए काना, ले लो चूड़िया हाँ ले लो चूड़िया राधे। अरे भेस छुपाए परेशान में आए आवाज लगाए काना, के ले लो चूड़िया हाँ ले लो चूड़िया, भेस छुपाए परेशान में आए आवाज लगाए काना,